स्वागत है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी स्वागत है। प्रियंका गांधी स्वागत है। प्रियंका तुम संघर्ष करो। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद, दीदी स्वागत है। तुम संघर्ष करो। प्रियंका तुम संघर्ष करो। देखिए, प्रदेश की और केंद्र की वर्तमान महिला विरोधी घृणित मानसिकता को आईना दिखाने के लिए प्रियंका गांधी जी का जो वक्तव्य कल का था, उससे आप देख लीजिए कि किस तरीके से महिलाओं में खुशी है। ये महिलाएं शोषित थी। प्रदेश सरकार जिस तरीके से इनके हक और हुकूक की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही थी कि प्रियंका गांधी ने 40% जो आरक्षण इनको दे दिया टिकट में, इनको लगा कि इनकी आवाज़ को अब कोई दबा नहीं पाएगा। इसलिए संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ बांटी हैं और एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की है, उससे इनके अंदर ऊर्जा दिखाई दी है। जो काम इंदिरा जी ने किया था, वही काम आज उनकी पोती प्रियंका कर रही हैं। तो इससे प्रयागराज में, इलाहाबाद नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी हो, उसको सोचना पड़ेगा कि इस बार का जो चुनाव होगा, चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रहा है।